बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना ट्यूब, मैं हूं ज़फ़र हुसैन। आज हम आपको बताएंगे बछड़ियों के सींग कैसे ख़त्म किए जाते हैं। सींग ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जानवर सींगों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें लेना है कास्टक, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है। ये तेज़ाबी खासियत रखता है और थोड़ा सा पानी इसमें दो टुकड़ियाँ डाल लेनी है। ये इस्तेमाल करते वक्त आपने एक एहतियात ज़रूर करनी है, अपने जिस्म को लगने नहीं देना। इसके बाद आपने एक मसवाक टाइप शाख काट लेनी है, यानी साइडों से बराबर है। इसके बाद आपने बछड़ी को नीचे लिटा लेना है और बांध लेना है। फिर आपने सींगों के ऊपर जो बाल है ना, वो इजाफी बाल आपने काट लेने दोनों साइडों से। आपने इस मिक्सचर को लकड़ी की मदद से थोड़ा थोड़ा लगाना है, यानी ज़्यादा नहीं लगाना। एक बार एक साइड पे लगा देना, फिर दूसरी साइड पे लगा के इसको रगड़ते रहना है, इतना के ये ना इसकी जो ब्लैक चमड़ी होती है ना ऊपर सिंग वाली जगह पे, ब्लैक चमड़ी जो, वो खुर्च खुर्च के उतार देनी है नीचे से, उसका सिंग वाली जगह खाली हो जाए, चमड़ी यानी कि उतर जाए। ये अमल आपने तकरीबन 25 दिन के बाद, एक महीने के भी कर सकते हैं, एक महीने के 5 दिन तक, यानी कि 25 दिन से पहले आपने ये अमल नहीं करना। अगर आप पहले करेंगे तो फिर इसके दोबारा सींग निकल आएंगे।